अस्सलाम वालेकुम। अजाय स्कूल के तमाम पेरेंट्स आज यहाँ अजाय स्कूल के पास आए हैं क्योंकि यहाँ सारे बच्चों के क्लासेस जो ऑनलाइन चल रहे थे वो सब के रोक दिए हैं, इसीलिए रोक दिए। आज एग्ज़ाम है F1, इसीलिए रोक दिए हैं कि फ़ीस नहीं दी गई है। हम लोग आके सुबह अप्लीकेशन दिए हैं यहाँ, देखे ये कहें कि भाई हम फ़ीस पे कर देंगे, आप बच्चों के एग्ज़ाम्स ले लीजिए। हम सबसे लेटर लेने के बाद ये लोग बोले हैं कि आप जाइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग 2 से 3 घंटे इंतज़ार करें, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए। हम लोग फ़ीस पिछले साल पे कर चुके हैं, ये साल भी फ़ीस हम लोग पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ़ीस पे करने तैयार हैं, लेकिन मुसलसिल मैनेजमेंट का हरासमेंट, और हम यहाँ आते हैं तो कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, इंचार्ज नहीं है, सिर्फ फ़ीस काउंटर खुला हुआ है। और जो है गवर्नमेंट जियो है कि ट्यूशन फ़ीस पे करो, हम लोग ट्यूशन फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस पे कर रहे हैं। एक एक पेरेंट्स मेरे बाजू ठहरे हुए हैं, मैं आपको रिसिप्ट बताता हूँ, 90,000 1 लाख रुपीज़ फ़ीस पे कर रही, उसके बावजूद अजा स्कूल वालों का हमारे साथ ऐसा हैरेसमेंट है। मासूम बच्चे घर में रो रहे, इतनी मुश्किल में उन लोग रो रहे कि उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा उनका, लेकिन हम लोग फ़ीस पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे बोल के नहीं। गवर्नमेंट जियो है कि फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस पे करो, हम लोग पूरी फ़ीस पे करें, लेकिन ये ट्यूशन फ़ीस कितनी है गवर्नमेंट हमको ये पिक्चर नहीं दे रही है, बराबर नहीं बता रही है। कि बोल रहे हैं कि कंप्लेन करो हम स्कूल सीज कर देंगे, हम लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए, मीडिया की हमें मजबूरन हेल्प लेना पड़ा कि हम लोग इतनी फ़ीस पे करने के बाद आज हमारे बच्चे जो है एग्ज़ाम से महरूम हो चुके हैं, हालात इतने ख़राब है। गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है कि कोर्ट के ऑर्डर है कि फ़ीस जियो फीस इस तहत ले कि बच्चों को ट्यूशन फ़ीस लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ये किस्म का हरासमेंट हो रहा। मैं तमाम अजाय स्कूल के पेरेंट्स से बार बार अपील करता हूँ कि सब जमा हो और आइए मैनेजमेंट से बात करिए। मैनेजमेंट यहाँ मौजूद नहीं है, हम लोग मैनेजमेंट से 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नहीं है, फ़ोन करो कोई नहीं मिलता, प्रिंसिपल नहीं मिलता, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, इंचार्ज नहीं है। तो मैं आप लोगों से अजाय स्कूल के तमाम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि कल 11 बजे हम लोग यहाँ पर जमा होंगे और मैनेजमेंट से बात करेंगे, मैनेजमेंट को यहाँ बुलाएंगे। देखिए आप बुज़ुर्ग शख्स बिल्कुल चलने नहीं आता, सुबह 10 से 11 बजे से यहाँ बैठे हुए है, आप देखिए इन लोग, कई पेरेंट्स है, कई मेरी माँ बहनें मोहतरम आए हुए हैं यहाँ पर, उनको देखिए आप सुबह से ये इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं घरों में बैठ के। हम फ़ीस नहीं पे कर रहे बल्कि पिछले साल हम पूरी मुकम्मल फ़ीस पे कर चुके हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये हरासमेंट हो रहा है। ये है हमारा कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं रहता, कोई प्रिंसिपल नहीं रहता, कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं रहता, सिर्फ अटेंडर्स को बिठाए नो यहाँ पे स्कूल में, अटेंडर्स को पूछो तो हमारे को लेटर दो बस हम फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करे आदमी कोई रिस्पांस नहीं रहता। और ये जो फीस काउंटर मगर हमेशा खुला हुआ रहता, हॉलीडेज में भी खुला हुआ रहता, हमेशा खुला हुआ रहता, लेकिन जो प्रिंसिपल है, HM है, इन लोगों को सब पेंडेमिक है क्योंकि इन लोगों घर में से ही ऑपरेट करते पूरा, कोई मैनेजमेंट नहीं आता। मैं 10 मरतबे फिर चुका हूँ अभी तक, कोई एक भी मेरे को 1 मरतबे भी नहीं मिला यहाँ पर। मैं मैनेज मेरा इशू यही है, फीस पेमेंट के लिए क्लास रोके हुए है, ट्यूशन फीस ऑनलाइन क्लास रोक दिया, आज बच्चों का एग्जाम है, आज बच्चों का F1 एग्जाम रखे, ऑनलाइन क्लास रोक दिया, आज रोकने की वजह से हम सब यहाँ जमा हो गए। हम लास्ट ईयर इतना रिक्वेस्ट करे 50% लो बोल के, इतना रिक्वेस्ट करे, मैं 3 मरतबे मेल किया, 3 मरतबे लेटर दिया, वरना मेरे को लास्ट एकेडमिक ईयर ख़त्म हुए तक भी नहीं दिए डिस्काउंट, ओनली 30% बोल के दे दिए, 30% का पूरा फ़ी पेमेंट करा और बाकी का थोड़ा रिमेनिंग रह दो मेरे को, मेरे बच्चे को एक महीना क्लासेस भी रोक दिए, क्लासेस रोक के नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए 1 महीने के बाद जब मैं फ़ी पे करा तो जब एकेडमिक ईयर दिए वैसा भी 1 महीना लॉस हो गया। सिर्फ जियो भी नहीं मालूम है हमारे को, सिर्फ उनको ही मालूम है जियो क्या है किधर है, सुने कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मेन स्कूल इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, कोई एकेडमिक में भी नहीं है, अटेंडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, अकाउंट्स 2 चलता खाली यहाँ पे, बाकी का कोई पेरेंट का कोई क्वेश्चन सुनने वाला नहीं है, आंसर बोलने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ 2019 जबकि स्कूल्स अजान स्कूल हो या चाहे जितने भी स्कूल हो सब बंद हुए 2019 से, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तब से लेके आज तक हम लोग काफ़ी पूरी फ़ीस पे करें, पे करने के बाद अभी हम आए ये बोलने के हमको एक एक्सेप्शन चाहिए कि थोड़ा टाइम पेमेंट करने के लिए, तो मैनेजमेंट बोले कि अप्लाई करो, अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद नो रेस्पॉन्स,
तो ये एक मेन कंसर्न है। मैनेजमेंट में कोई अवेलेबल नहीं है इधर, और फीस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरी फीस पे कर रहे हैं। 2019 में कोई डिले नहीं है, पूरे स्लिप्स हमारे पास है। स्लिप्स बताइए, पूरी ये स्कूल फीस है, पूरे पेमेंट स्लिप्स के साथ है, 2019 से हो या उससे पहले के हो। ये 20 के है अभी तो अवेलेबल, कोई ऐसा ड्यू बोल के नहीं। अभी ये है कि आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम अलाउ नहीं करें, और काफ़ी दिन से क्लासेस भी अलाउ नहीं कर रहे ये लोग। ये पूरे फीस है, ये देख सकते हैं, कोई बिल नहीं है इसमें बोल के नहीं। फीस भी इतनी है, 7000। अभी डिमांड ये है कि एक तो एक्सेप्शन मिलना चाहिए, फीस में भी मिलना चाहिए, और जैसे तो टाइम भी मिलना चाहिए पेरेंट्स को। ऐसा नहीं कि क्लासेस रोक देंगे। ट्यूशन 17,500 पर टर्म, चार क्वार्टर है, पर टर्म ले रहे हैं 17,500 फीस है। ये 9th जी हो, आम दिनों में भी यही थी, अभी भी यही है, 2019 से भी यही है। अभी चेंजेस भी आए, वही फीस है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि अगर फीस नहीं पे करे हैं तो एग्ज़ाम नहीं रोक सकते, रिजल्ट रोक सकते हैं, लेकिन ये आज हमारे एग्ज़ाम रोके हैं। आज हमारे बच्चे घरों में रो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? ये मैनेजमेंट अजा स्कूल का, जो हमें हर साल हरासमेंट करता है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। आज हम सुबह से अपने काम धाम कारोबार खराब करके लॉकडाउन की वजह से सारे पेरेंट्स परेशान हैं, सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन यहाँ हमारे अजा स्कूल के मैनेजमेंट को इसका कोई असर नहीं है। हम मुसलसिल यहाँ इनके पास आ रहे हैं बार बार, कोई स्टाफ नहीं रहता है। आपको कोई अख्तियार नहीं है एग्ज़ाम रोकने का, आप रिजल्ट रोक सकते। मासूम बच्चों के दिमागों से, जहनों से कह रहे हैं, जबकि बच्चे घर में बैठ के फिजिकली मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसके बावजूद ऐसे मैनेजमेंट ऐसे स्कूल से मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से, इनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दे। हमारे पास 17,000 तो बहुत हो जाता ना, पर मंथ 6,000 8,000 9,000 तो नहीं होता ना। ट्यूशन फीस ले रहा ना, ट्यूशन फीस क्या है अगर वो मालूम होना ना, ट्यूशन फीस क्या चीज़ है, कौन कितनी है, क्या है वो मालूम होना। सीएम से रिक्वेस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, फीस बताइए हमारे को क्या ट्यूशन फीस है। यहाँ पर तो ट्यूशन फीस तो पर मंथ 9th क्लास को 6,000 रुपये है, महीने को 6,000 रुपये, टर्म फीस 3 मंथ्स को 18,000 होते हैं। तो उस ट्यूशन फीस क्या है वो पहले हम बताएं, रिक्वेस्ट है हमारे को एजुकेशन मिनिस्टर से कि ट्यूशन फीस क्या है पूरा क्लियर वगैरह, तो अफजान स्कूल से हर जो जो स्कूल से उनसे वो कर सकते हैं ना। और ये बच्चों पे जो जुल्म हो रहा, मासूम बच्चों पे, इसका लिहाज करो। स्कूल माफिया बंद करो।